ट्रांसफार्मर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बिना लोड पर क्या वर्किंग होती है, क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर जब हम ट्रांसफार्मर को नो लोड में प्रयोग करते हैं देखा था। तब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या ट्रांसफार्मर को दुष्ट धारा पर प्रयोग किया जा सकता है, क्या होगा अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हम लोगों ने सप्लाई से कनेक्ट किया है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है, डीसी सप्लाई से हम लोगों ने क्या किया है, कनेक्ट किया है यहाँ पर इसको। जब हम इस ट्रांसफार्मर के कोर को, ठीक है, सप्लाई देते हैं डीसी, प्राइमरी से कनेक्ट करते हैं डीसी सप्लाई को, ठीक है, क्या होता है कि एक करेंट यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है, और करेंट फ्लो करेगी ठीक इस बाइंडिंग में आएगी, एक एमएमएफ बनेगा। ठीक है, एमएमएफ क्या करेगा, इस पूरे कोर में क्या करेगा, एक फ्लक्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स क्या करेगा, हम जानते हैं क्या, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस ईएमएफ, जब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा तब इंड्यूस ईएमएफ होगी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ होगी, लेकिन ये कब होगा, एसी के केस में, जब अल्टरनेटिंग सप्लाई होगी और अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट करेंट है, डीसी सप्लाई है। ठीक है, फ्लक्स तो जनरेट हो गया लेकिन अल्टरनेटिंग नेचर का रहेगा नहीं रहेगा, मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, कि फ्लक्स को जनरेट हो गया डीसी सप्लाई के केस में, लेकिन वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्या कहता है, देखिए फैराडे लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस ईएमएफ, अगर फ्लक्स का चेंज होगा तभी ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूज होगी। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूज होती है, इवन जो यहाँ पे इंड्यूज ईएमएफ हो गई इवन प्राइमरी साइड में, वो क्या करता है, सप्लाई भीवन जो वोल्टेज होता था एसी के केस में, उसका लगातार विरोध करता रहता था, उसका क्या करता था, लगातार विरोध करता रहता था, जिसके जिसके कारण एक रेटेड सप्लाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोर में आती थी, उसके बाद ये सब काम आगे बढ़ता था। लेकिन डीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, डीसी के केस में फ्लक्स तो बनता है, डीसी के केस में क्या होगा, फ्लक्स कोर में बनेगा लेकिन वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, जब बढ़ेगा घटेगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूज ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूज नहीं होगा, जब ईएमएफ इंड्यूज नहीं होगा तो कोई भी प्राइमरी सप्लाई के वोल्टेज को विरोध करने वाला नहीं होगा। ठीक है, जब कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, ये मनमाना करंट लेकर के प्राइमरी वाइंडिंग को जला देगी। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, एक करंट फ्लो करती है, करंट इस वाइंडिंग में आती है, करंट वाइंडिंग में आने के बाद क्या, एक एमएमएफ बनता है, एमएमएफ के बाद ये क्या होता है, एक फ्लक्स क्रिएट होता है इस पूरे कोर में, लेकिन जो फ्लक्स जो कोर में होगा वो क्या करेगा, अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगी, जो ईएमएफ बनेगा वो नहीं बनेगा। जब ईएमएफ नहीं बना तो कोई विरोध करने वाला नहीं हुआ, सप्लाई वोल्टेज V1 का, जब कोई चीज किसी का विरोध नहीं करता है, जैसे अगर जनरल लैंग्वेज में समझ ले, अगर कोई किसी का विरोध करने वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, मनमाना ढंग से अपना सब उपयोग करेंगे। तो यही चीज यहाँ भी अगर मान लेते हैं, तब क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस तो हुआ नहीं यहाँ पे, जब इंड्यूस ईएमएफ हुआ नहीं तो क्या करेगा ये प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई सोर्स से मनचाहा क्या करेगा, करेंट लेकर के प्राइमरी वाइंडिंग को जला देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई का प्रयोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के केस में नहीं कर सकते हैं, डीसी सप्लाई का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स तो बनता है लेकिन क्या होता है, वो अल्टरनेटिंग नेचर का, मतलब चेंजेबल फ्लक्स नहीं बनता है, जिसके कारण ईएमएफ जो होता है वो ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूज नहीं होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो कॉइल होती है वो करेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करके सप्लाई सोर्स से उसके वाइंडिंग को जला देती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में की जाती है, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, जब मेनली अगर बात करें हम ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक होता है कोर लॉसेस, एक होता है कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है,
सारा उन्हीं क्लास है, आई स्क्वायर लॉसेस को क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, कॉन्स्टेंट लॉसेस मतलब फिक्स लॉसेस होगा। ठीक है, ये कोर लॉसेस जो होगा वो फिक्स होगा, कॉन्स्टेंट लॉसेस होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोर लॉसेस को कॉन्स्टेंट लॉसेस बोलते हैं, और जो हम लोग कॉपर लॉसेस आई स्क्वायर या ओमिक लॉसेस जिसको बोलते थे उसको बोलते हैं वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो कांस्टेंट लॉसेस है ये ट्रांसफार्मर के क्या होता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। किस पे? सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज क्या करता है, जो कोर लॉस होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और ये जो आई स्क्वायर लॉसेस या वेरिएबल लॉसेस है वो करेंट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें करते हैं, केवीए करते हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें की जाती है, केवीए में, ना कि किलोवाट में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की, क्योंकि इसमें जो कोर लॉसेस होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और आई स्क्वायर लॉस किस पे करता है, करेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें की जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है केवीए में। ठीक है, ध्यान है किलोवाट में नहीं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें की जाती है, केवीए में, और जबकि मोटर की बैटरी किसमें की जाती है, किलोवाट में की जाती है। क्यों की जाती है केवीएम, क्योंकि जो कांस्टेंट लॉसेस होता है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो इसका बोलते ये वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है, और जो ओमिक लॉसेस है वो आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए इसकी रेटिंग की जाती है केवीएम। चलिए, अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर को हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में अगर ये है देखते हैं तो पहला ट्रांसफार्मर वो उसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा ट्रांसफार्मर है इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जो तीसरा ट्रांसफार्मर है ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो पावर ट्रांसफार्मर वो ये सिंगल फेज का भी होता है और थ्री फेज का होता है, और अगर वर्किंग के हिसाब से देखें तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एक होता है सीटी, एक होता है पीटी। सीटी मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, ठीक है, दूसरा है वो थ्री फेज का ट्रांसफार्मर। अगर संरचना के आधार पर बात किया जाए तो एक होता है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर, और होता है एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, जो मेनली बहुत ज्यादा यूज होता है कोर टाइप का ट्रांसफार्मर। ठीक है, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखिए, मैंने ये कोर टाइप एक ट्रांसफार्मर लिया है। ठीक है, देखिए समझिए, इसे ये कोर है। ठीक है, ये है एक कोर। ठीक है, अगर हम बात करते, ध्यान सुनिएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज करते हैं मैंने एल टाइप के होता है, एल टाइप के आकार का जो इसमें कोर यूज करते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लिम्ब, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं लिम्ब, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, योक। ठीक है, लिम्ब में ही हम लोग कोर बाइंडिंग को, अगर कोर ट्रांसफार्मर का कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है तो हम लोग क्या करेंगे, कोर में इसके साइड वाले लिंब में एक बाइंडिंग करेंगे, दूसरी वाली बाइंडिंग को दूसरे लिंब में करेंगे, योक का पोर्शन इसमें खाली रहता है, इसमें एक फ्लक्स पाथ बनता है। कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एक फ्लक्स पाथ करता है, बाइंडिंग को हम लोग क्या कर साइड वाले लिंब में करते हैं। ठीक है, और इसमें यल तरफ के पत्ती का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये है मेरा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ई तरह के पत्तियों का यूज किया जाता है, ई तरह के पत्तियों का यूज कोर बनाने में ई तरह के पत्तियों का यूज किया जाता है। इसमें ये जो है साइड लिंब है, ये वाला भी साइड लिंब है, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें कोर के कंपेरिजन में क्या होता है, ये एक सेंटर लिंब हो जाता है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं, ये प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग को क्या करते हैं, सेंटर लिंब में हो करते हैं, और ये जो साइड वाले लिंब से है, साइड वाले लिंब की अपेक्षा जो सेंटर लिंब है उसके दुगना चौड़ाई का बनाते हैं। इसमें दो क्या होते हैं, दो फ्लक्स पाथ बनते हैं। ठीक है, और जिसका वेट कोर टाइप ट्रांसफार्मर की अपेक्षा ज्यादा होता है। ठीक है,